प्रश्न 22। किसी बिंदु ओ से चार रेखाएं ओ ए, ओ बी, ओ सी तथा ओ डी क्रमशः इस प्रकार खींची जाए कि कोण ए ओ बी बराबर कोण सी ओ डी एवं कोण बी ओ सी बराबर कोण डी ओ ए, तो सिद्ध करें कि ए ओ सी तथा बी ओ डी सरल रेखाएं हैं। तो कह रहा है किसी बिंदु ओ से चार रेखाएं, तो मान लीजिए यहाँ पे O एक बिंदु है, O क्या है, एक बिंदु है। इस बिंदु को O से लिखा गया है यहाँ पे, तो कह रहा है किसी बिंदु O से चार रेखाएं OA, तो यहाँ से हम इस तरफ लाइन खींचेंगे तो ये हो जाएगा OA, इधर एक रेखा खींचेंगे तो हो जाएगा ओ बी या ओ सी लिख लेंगे, तो कह रहा है ओ ए, ओ बी, ओ सी, ये हो गया ओ बी, और इधर एक रेखा खींच देंगे नीचे तो हो जाएगा ओ डी, यहां पे बी लिख लेंगे और यहां पे डी लिख लेंगे, तो ओ ए, ओ बी, ओ सी और ओ डी, इस तरह हम यहाँ पे बना लेंगे चित्र। तो कह रहा है किसी बिंदु ओ से चार रेखाएं ओ ए, ओ बी, ओ सी और ओ डी क्रमशः इस प्रकार खींची जाए कि कोण ए ओ बी, अब देखिए कोण ए ओ बी, ए ओ बी ये जो कोण है बराबर कोण सी ओ डी, ये डी है यहाँ पे, तो कोण सी ओ डी यानी ये कोण, ये दोनों कोण बराबर है, यानी ये कोण और ये कोण क्या है, बराबर है, तो कोण ए ओ बी, देखिए कोण ए ओ बी यानी ये जो कोण है और कोण सी ओ डी, ये कोण दोनों कोण क्या है, बराबर है, एवं कोण बी ओ सी, कोण बी ओ सी, देखिए कोण बी ओ सी ये हो गया कोण बी ओ सी, और कोण डी ओ ए, डी ओ ए ये जो कोण हो गया, कोण डी ओ ए हो गया, तो ये दोनों कोण बराबर है, ये दोनों कोण, तो ये दोनों कोण बराबर है आपस में और ये दोनों कोण आपस में बराबर है, तो सिद्ध करना है कि ए ओ सी और बी ओ डी एक सरल रेखाएं हैं, यानी ए ओ सी और बी ओ डी क्या है, एक सरल रेखाएं हैं, यानी एक सीधी रेखा है दोनों, ये सिद्ध करना है। तो यहां पे लिखेंगे, तो यहां पे लिखेंगे कोण ए ओ बी, कोण ए ओ बी बराबर कोण सी ओ डी कॉमा कोण बी ओ सी, बी ओ सी बराबर कोण डी ओ ए, तो कोण ए ओ बी बराबर कोण सी ओ डी कॉमा कोण बी ओ सी बराबर कोण डी ओ ए, ये दिया हुआ है, तो इसको हम पहला लिख लेते हैं और यहां पे लिखेंगे दिया है, तो कोण ए ओ बी बराबर है कोण सी ओ डी के और कोण बी ओ सी बराबर है कोण डी ओ ए के, ये दिया हुआ है। तो अब हम लिखेंगे चूंकि, चूंकि बिंदु, बिंदु के चारों तरफ, बिंदु के चारों तरफ का कोण बराबर 360 डिग्री। अब देखिए बिंदु के चारों तरफ का कोण कितना होता है, 360 डिग्री का होता है, तो अगर कहीं पे कोई बिंदु है उसके चारों तरफ का कोण होता है 360 डिग्री, जैसे यहाँ पे बिंदु O है, ये क्या है, एक बिंदु है, तो इसके चारों तरफ का कोण कितना होगा, 360 डिग्री के बराबर होगा, यानी इसका मतलब हुआ कि ये चारों कोण को अगर जोड़ दें तो 360 डिग्री के बराबर हो जाएगा, ठीक है, तो ये चारों कोण को जोड़ करके 360 डिग्री लिखेंगे अब हम, क्योंकि बिंदु के चारों तरफ का कोण होता है 360 डिग्री का, तो लिखेंगे अतः
कोण ए ओ बी प्लस कोण बी ओ सी प्लस कोण सी ओ डी प्लस कोण ए ओ डी बराबर 360 डिग्री। तो यहाँ पे बिंदु के चारों तरफ देखिए चार कोण हैं, कोण ए ओ बी, कोण बी ओ सी, कोण सी ओ डी और कोण डी ओ ए। तो यहाँ पे देखिए चार कोण हैं, एक दो तीन चार, तो चारों कोण को अगर जोड़ दें तो 360 डिग्री का हो जाएगा, क्योंकि बिंदु के चारों तरफ का कोण होता है 360 डिग्री का। तो लिखेंगे अब लिखेंगे यहाँ पे कोण ए ओ बी प्लस कोण बी ओ सी प्लस कोण ए ओ बी प्लस कोण प्लस कोण बी ओ सी बराबर 360 डिग्री। तो देखिए कोण सी ओ डी और कोण ए ओ बी बराबर दिया हुआ है, तो कोण सी ओ डी की जगह पे कोण ए ओ बी लिख लेंगे, और कोण ए ओ डी और कोण बी ओ सी बराबर है, तो कोण ए ओ डी लिखें या कोण डी ओ ए लिखें एक ही बात है। देखिए कोण ए ओ डी भी हम इसको कर सकते हैं या कोण डी ओ ए भी हम कर सकते हैं, बस ओ को बीच में रखना है। तो कोण ए ओ डी और कोण बी ओ सी बराबर है, तो कोण ए ओ डी की जगह पे कोण बी ओ सी लिख लेंगे, और कोण सी ओ डी और कोण ए ओ बी बराबर है, तो इसके जगह पे ये लिख लेंगे। ठीक है, लिखेंगे पहला से, पहला में हम क्या लिखे थे, कोण ए ओ बी बराबर कोण सी ओ डी, कोण बी ओ सी बराबर कोण डी ओ ए, तो कोण डी ओ ए लिखें या कोण ए ओ डी लिखें एक ही बात है। तो देखिए ये दिया हुआ था, तो इसी का प्रयोग करेंगे हम यहाँ पे। तो इस तरह लिख लेंगे यहाँ पे। अब देखिए कोण ए ओ बी और कोण ए ओ बी दो जगह हो गया, कोण बी ओ सी, कोण बी ओ सी दो जगह हो गया, तो कोण ए ओ बी प्लस कोण ए ओ बी लिख लेंगे, दो कोण ए ओ बी प्लस कोण बी ओ सी प्लस कोण बी ओ सी लिख लेंगे, दो कोण बी ओ सी बराबर 360 डिग्री। इस तरह हम लिख सकते हैं, जब कोण ए ओ बी और कोण ए ओ बी को जोड़ेंगे तो दो कोण ए ओ बी हो जाएगा, कोण बी ओ सी और कोण बी ओ सी को जोड़ेंगे तो दो कोण बी ओ सी हो जाएगा। अब यहाँ पे दो कॉमन ले लेते हैं, तो दो कॉमन ले लेंगे, तो कोण ए ओ बी प्लस कोण बी ओ सी बराबर 360 डिग्री। देखिए दो कॉमन ले लिए, दोनों में दो है, दो से गुना हो रहा है, दो कॉमन ले लिए तो क्या बच गया, कोण ए ओ बी प्लस कोण बी ओ सी। अब लिखेंगे आता है कोण ए ओ बी प्लस कोण बी ओ सी बराबर 360 डिग्री बटा दो बराबर 180 डिग्री। 360 को दो से भाग देंगे तो 180 डिग्री आएगा, तो दो इधर गुना में है तो बराबर के दाएं तरफ जाकर के भागम हो जाएगा, तो कोण ए ओ बी प्लस कोण बी ओ सी बराबर कितना आ गया 180 डिग्री। तो कोण ए ओ बी प्लस कोण बी ओ सी, अब देखिए चित्र में देख लेते हैं एक बार, तो कोण ए ओ बी यानी ये वाला कोण और कोण बी ओ सी बराबर 180 डिग्री हो गया। तो ये दोनों जब 180 डिग्री हो गया तो इसका मतलब हो गया कि ए ओ सी क्या है, एक सरल रेखा है। ठीक है, क्योंकि एक सरल रेखा पे 180 डिग्री का कोण बनता है, तो ये दोनों कोण का जोड़ जब 180 डिग्री हो गया इसका मतलब क्या हो गया कि ए ओ सी क्या है, एक सीधी रेखा है। तो लिखेंगे यहां पे इसी प्रकार कोण बी ओ सी, कोण बी ओ सी प्लस कोण सी ओ डी बराबर 180 डिग्री। तो जैसे कोण ए ओ बी प्लस कोण बी ओ सी बराबर 180 डिग्री लाए हैं, उसी तरह से करने पे क्या आ जाएगा, कोण बी ओ सी प्लस कोण सी ओ डी बराबर 180 डिग्री। तो कोण बी ओ सी प्लस कोण सी ओ डी बराबर 180 डिग्री, जब ये दोनों कोण 180 डिग्री आया है तो उसी तरह से
लिखेंगे तो क्या होगा, ये दोनों कोण का भी जोड़ 180 डिग्री आएगा, क्योंकि ये कोण इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर है, तो ये दोनों कोण का भी जोड़ 180 डिग्री आएगा। इसका मतलब बी ओ डी भी एक सरल रेखा है। तो लिखेंगे यहां पे, अतः एओसी तथा बीओडी सरल सरल रेखाएं हैं। तो एओसी तथा बीओडी सरल रेखाएं हैं, ठीक है। जब कोण एओबी प्लस कोण बीओसी बराबर 180 डिग्री आ गया, और उसी प्रकार कोण बीओसी प्लस कोण सीओडी बराबर 180 डिग्री हो जाएगा, तो इसका मतलब हुआ कि एओसी तथा बीओडी क्या है, एक सरल रेखाएं हैं, क्योंकि सरल रेखाएं पे ही 180 डिग्री का कोण बनता है। तो इस तरह इस प्रश्न को हल करेंगे।